हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में यार फिर से इजीची और गोजो का सीन दिखाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे भाई प्रिंसिपल के पास मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी गोजो को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो इजीची को कहता है गाड़ी रोकने के लिए। तो यहाँ पे भाई इजीची काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो गाड़ी रोक देता है और गोजो बाहर उतर जाता है। यहाँ पे वो सड़क के बीच में खड़े होते हैं और गोजो इजीची से यही कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो इजीची कहता है कि मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, मेरा कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं ले रहे ना? मेरे को पक्का पता, अगर मैं यहाँ तुम्हें छोड़ के गया तो तुम मुझे मारोगे। तो गोजो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, जाओ इधर से। तो इजी जी इधर से चला जाता है और गोजो यही कहता है ठीक है फिर सामने आओ। तभी भाई उसी जगह ऊपर से जोगो आके अटैक कर देता है और वो गोजो को कुचलने वाला होता है, लेकिन भाई गोजो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन उसके अटैक से यहाँ पे पूरी की पूरी रोड टूट चुकी होती है। इमीडिएटली थोड़ी देर बाद ही भाई जोगो गोजो के पीछे एक वॉल्केनो टाइप बना देता है और उससे भाई बहुत सारा लावा गोजो के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्मा एक्सप्लोजन होता है और जोगो को लगता है कि वाह ये तो काफी ज्यादा आसान था, ये तो इतनी आसानी से हार गया। लेकिन गोजो यही कहता है कि हाँ मुझे हल्के में ले रहे हो क्या। वो यहाँ पे सारी की सारी राख और लावा को हटाता है और गोजो देखता है कि ये कर्ज बात भी कर सकता है, मतलब ये तो सच में काफी कमाल की बात है। और साथ ही साथ इसने अभी जो ये ताकत का इस्तेमाल किया, इतनी खतरनाक ताकत इसके हाथ में है, मतलब देखा जाए तो ये अभी वाले सुकूनों से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेशल ग्रेड कर्ज है जिसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है। तो गोजो जोगो से ये कहता है कि तुम्हें पता है ना स्पेशल ग्रेड का मतलब क्या होता है, जो कि इतनी आसानी से दिखाई ना दे, और तुम तो भाई कहीं से भी आ रहे हो यार, मतलब क्या सीन है। वो कर्ज स्पिरिट गोजो को धमकी देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा और तुम मरने वाले हो। लेकिन गोजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि ठीक है फिर मजा आएगा। गोजो ये सोचता है कि इस कर्ज ने उसके ऊपर यहीं पे अटैक क्यों किया, क्या वो ये चाहता था कि किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचे, या फिर शायद वो ये चाहता था कि गोजो को बचाने के लिए कोई भी बैकअप देने ना आ पाए। इधर जोगो अपने एम्बर इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करके भाई गोजो के ऊपर हमला करता है और वो गोजो के पास जब पहुंचने वाले होते हैं तो गोजो आसानी से उनको रोक देता है। और वो ये नोटिस करता है कि भाई ये सारे के सारे इंसेक्ट साउंड का इस्तेमाल करते हैं फटने के लिए। यहाँ पे गोजो फिर से उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन इमीडिएटली पीछे से भाई फिर से जोगो आ जाता है और वो दो अलग अलग फ्लेमिंग अटैक गोजो के ऊपर करता है। यहाँ पे जोगो को फाइनली लगता है कि उसने गोजो को हरा दिया है, लेकिन फिर से भाई वो गलत होता है और इस अटैक से गोजो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। ये देख के भाई जोगो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है ये चल क्या रहा है भाई। तो गोजो बताता है कि तुम मुझे छू ही नहीं सकते क्योंकि मेरे शरीर के आसपास एक इन्फिनिटी है, तो आओ फिर मेरा हाथ छू के ट्राई करके देख लो, तुम मेरे हाथ को नहीं छू पाओगे, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितना मेरे करीब आओगे उतना ज्यादा धीमे तुम होते जाओगे। यहाँ पे जब जोगो गोजो के पास आता है और उसका हाथ टच करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि भाई बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है, जिस वजह से उसका कोई भी अटैक गोजो को टच नहीं कर पाया, फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो गोजो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे गोजो जोगो की बेस्ती वेस्ती मारता है और कहता है ठीक है फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु क्या होता है। और वो यहाँ पे अपना कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करता है, जिससे भाई इतनी तगड़ी एनर्जी निकलती है कि भाई जोगो तो उड़ता हुआ जाता है, फॉरेस्ट में जाके गिरता है। उसके बाद गोजो कंटिन्यूसली भाई उसको मारना शुरू करता है, उस पे किक वगैरह मार के वो उसको एक लेक में गिरा देता है। और यहाँ पे भाई जोगो की धज्जियां उड़ चुकी होती है और वो मन में यही सोचता है कि इसका मतलब ये था कि गेटो बिल्कुल सही था, उसने कहा था कि तुम गोजो को मारने तो जा रहे हो लेकिन बदले में तुम खुद ही मर जाओगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गोजो गायब हो जाता है और वो बेसिकली इधर यूजी के पास गया होता है, जिससे कि वो उसको बैटल फील्ड में ला सके। यहाँ पे गोजो फटाफट यूजी के पास जाता है और वो देखता है कि भाई मतलब अभी तक यूजी इन मूवीज को देख देख के पागल नहीं हुआ है और वो काफी अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी सीख रहा है, यहाँ तक कि उसे बात करना भी सेफ है, वरना अक्सर इस ट्रेनिंग के दौरान बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गोजो यूजी से यही कहता है कि ठीक है फिर चलो आज मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा जो कि जुजुत्सु बैटल्स में काफी ज्यादा काम आती है और सबसे ज्यादा जरूरी भी है, डोमेन एक्सपेंशन। यहाँ पे भाई गोजो फटाफट यूजी को जोगो के पास लेके आ जाता है और वो जोगो को बताता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये यहाँ पे बैठ के सब कुछ देखता रहेगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जोगो कहता है कि कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, मतलब तुम एक ऐसे इंसान को अपने साथ ले आए जिस वजह से तुम्हें ही लड़ने में प्रॉब्लम होगी। हाँ तो गोजो कहता है कि ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम ताकतवर होते तब मैं सोचता ये बात। इससे भाई जोगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका सर यहाँ पे फट जाता है और इतनी ज्यादा हीट उसकी बॉडी में से निकलती है कि भाई यूजी देख के तो चौंक ही जाता है और वो कहता है क्या इसको ये कमजोर कह रहा है, हद है मतलब। गोजो कहता है कि चिंता वाली बात नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे फाइनली जोगो अपना डोमेन एक्सपेंशन चालू कर देता है, जिससे कि भाई ये दोनों के दोनों ही कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन में कैद हो जाते हैं और ये बेसिकली जोगो का ही एक डोमेन होता है, यानी कि जोगो के मन में बनाई हुई एक जगह। गोजो बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिसने भी इस डोमेन को बनाया होता है उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ जितने भी अटैक वो इस डोमेन के अंदर करेगा वो उसके टारगेट को पक्का लगेंगे। यानी कि बेसिकली गोजो ये बताता है कि भाई जोगो यहाँ पे जितने भी अटैक करेगा
इस डोमेन के अंदर वो सारे के सारे यूजी और गोजो पे पढ़ने ही वाले हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गोजो यही कहता है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम इन अटैक से बच सकते हैं आसानी से किसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके या फिर इस डोमेन से बाहर निकल के, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल करना गलत है। यहाँ पे जोगो को पूरा यकीन होता है कि जो गोजो के पास इन्फिनिटी है जो कि उसको बचा के रखी हुई है, इस डोमेन में वो इन्फिनिटी गायब हो जाएगी जिसके बाद वो आसानी से गोजो को हरा सकता है। उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि कैसे एक मामूली से इंसान उसके ऊपर इतना भारी पड़ रहा है, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जोगो कितना ज्यादा ताकतवर है। वही दूसरी ओर गोजो यूजी को बता रहा होता है कि सबसे आसान तरीका है डोमेन एक्सपेंशन में जीतने का कि भाई अपना खुद का ही डोमेन बना डालो और जिसका भी डोमेन ज्यादा ताकतवर होगा वो ही जीतेगा। यहाँ पे भाई जोगो अटैक करने के लिए तैयार होता है और भाई फाइनली गोजो अपना भाई ये जो आंखों की पट्टी टाइप होती है वो हटाता है, यार मतलब आइस ट्रैप हटाता है। और वो पहली बार मतलब यार शुरुआत से तुमने उसको आइस ट्रैप के साथ देखा है, अब देख लो उसको बिना आइस ट्रैप के। और बेसिकली वो इसी की मदद से अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जो कि होता है अनलिमिटेड वॉइड, जिससे कि भाई जोगो इमीडिएटली भाई गोजो के डोमेन में कैद हो जाता है और उसी समय जोगो को पूरे यूनिवर्स की भाई सारी की सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गोजो यही बताता है कि कोई भी इंसान जिसको दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके पास और कुछ रहता नहीं है सिवाय शांति से मरने के, जिस वजह से भाई जोगो इधर पैरालाइज हो जाता है। और जब यहाँ पे भाई जोगो हिल डुल नहीं सकता तो गोजो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और साथ ही साथ ये बैरियर भी तोड़ देता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारे मरने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हें भेजा किसने। और यहाँ पे दूर खड़े होकर भाई गेटो और हनामी देख रहे होते कि भाई ये चल क्या रहा है और इन्हें पहले से पता था कि उसकी पैर बच जाएगी। गेटो कहता है कि मैं स्कूल वालों के सामने नहीं दिखाई दे सकता, तो ठीक है फिर हनामी तुम संभाल लेना इसको और मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ कि तुम उन्हें निपटा दोगे। इससे पहले कि गोजो उससे और भी कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा पाए या फिर एक्सरसाइज कर पाए, तभी यहाँ पे भाई एक भाला टाइप आके पड़ता है जिससे गोजो बच जाता है। और तभी वहाँ पे भाई बहुत सारे फूल वगैरह आ जाते हैं, फूल बगीचा बन जाता है भाई, जिससे थोड़ी देर के लिए यूजी और गोजो का ध्यान बढ़ जाता है और गोजो को एहसास होता है कि यार ये सिर्फ एक कर्ज का किया जा रहा है। तभी भाई एक वुडन मॉन्स्टर यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे गोजो यूजी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और इतने में भाई हनामी जोगो का सर लेके यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है और भाग जाता है। गोजो ये सब देख के काफी इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि क्या बात है, मतलब ये बंदा यहीं पे छुपा हुआ था और मेरे को पता भी नहीं चला। यहाँ पे यूजी गोजो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से भाई वो उसका सर लेके भाग गया और गोजो उन्हें पकड़ नहीं पाया। तो गोजो कहता है कि चिंता मत करो यूजी, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त इतनी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करो कि तुम ऐसे खतरनाक कर्सेस को भी आसानी से एक्सरसाइज कर पाओ, तो अगले एक महीने तक तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे ट्रेनिंग के तौर पे और उसके बाद हम कुछ मिशंस पे भी जाएंगे जो कि गुडविल इवेंट में होंगे। तो यूजी कहता है क्या गुडविल इवेंट, ये होता क्या है। वही दूसरी ओर हमें प्रिंसिपल यागा का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी भाई गुस्सा होता है ईजीसी पे और कहता है कि वो गोजो हमेशा की तरह लेट है हमारी मीटिंग में। इधर गेटो हाइड आउट पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक अपार्टमेंट डोर के पीछे यहाँ पे एक छुपा हुआ डोमेन होता है। यहाँ पे वो आके ग्रुप लीडर से मिलता है जिसका नाम होता है माहिटो और वो जोगो के बारे में पूछता है। तभी पीछे से भाई हनामी जोगो का सर लेके आ जाता है और इनके पास आता है। माहिटो कहता है कि अच्छी बात है तुम सब सेफ हो, तो जोगो कहता है क्या भाई मेरा सर ही बचा है इसमें सेफ क्या है। अब क्योंकि भाई जोगो को समझ आ चुका होता है कि गोजो को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तो गेटो यही कहता है कि चिंता मत करो हम अक्टूबर 31st को शिबुया में गोजो का काम तमाम कर देंगे। तो माहिटो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।